AI इमेज जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम डिजाइनिंग फील्ड में बहुत आसानी से डिजाइनर बना सकते हैं। एक डिसरप्शन आ रहा है इन फ्यूचर, जो कि डिजाइनिंग फील्ड में बहुत सारे डिजाइनर इसके लिए डर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया, सर डिजाइनिंग फील्ड में AI का यूजेस हो गया है तो डिजाइनर का काम क्या रहेगा। यस, थोड़ा सा रिस्की तो है, बट अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से सीख लो, समझ लो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एक डिजाइन को रेडी करना। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि पास सेशन मैंने लियोनार्डो AI के बारे में बताया हुआ। आप लोग अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप हमारा यूट्यूब चैनल में जाके जस्ट यूट्यूब में लिखे तंदरेस्ट लियोनार्डो AI लिखे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, जिसमें आपको AI का फीचर, AI का यूजेस आपको मैंने बताया हुआ है। तो आज AI का यूजेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इमेज टू इमेज। ये जो पर्टिकुलर जो लियोनार्डो AI में बहुत सारा अलग अलग फीचर है, उसमें ही बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है इमेज टू इमेज। इमेज टू इमेज फीचर का यूजेस क्या है एंड एज ए डिजाइनर हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ दिनों से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा अलग अलग डिजाइन मैंने बनाया हुआ, बहुत क्लाइंट को मैंने दिया हुआ है, तो वही पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर करूंगा। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर पूरा ट्यूटोरियल अगर सब देख लो, तो आप AI को यूज करके चुटकियों में कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन को कॉपी करना हो, कोई मोटिव को कॉपी करना हो, कोई नया डिजाइन का क्रिएशन करना, तो आप इजीली कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस को पता होना चाहिए, वही प्रोसेस को आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर करने की कोशिश करूंगा। आई होप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपने बहुत कुछ सीखेंगे एंड बहुत कुछ जान के अपना डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू द तंदरेक्ष डिजाइन स्कूल। इस पर्टिकुलर चैनल को उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में अपने आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचा पाए। तो आज का टेक्निक जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि AI रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल जो कि हम अपना डिजाइनिंग फील्ड में अपडेट करते हैं इस पर्टिकुलर चैनल में। अगर इस पर्टिकुलर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के ट्यूटोरियल्स आपको अपडेट फटाफट से मिल जाए। एंड ये जो पूरा ट्यूटोरियल्स आपको मैं बता रहा हूँ गाइस, एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो शुरुआत होने से पहले, प्लीज प्लीज अपना दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। बिकॉज जिन दोस्तों को शायद अपना डिजाइनिंग फील्ड में है उनको AI के बारे में पता नहीं है, AI का जानना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर आप AI को नहीं अच्छे से सीखेंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बहुत इजीली आप डिजाइन बना सकते हैं, बट अगर वो आपको टेक्निक प्रॉपरली आए तो। इसलिए पर्टिकुलर पूरा ट्यूटोरियल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड मेरा जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, कि मैं थोड़ा सा आप लोग हेल्प करना चाहता हूँ, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देकर आपको अपना डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करने के लिए हेल्प करना चाहता हूँ, तो इस पर्टिकुलर जो मेरा इंटेंशन है इसमें थोड़ा सा आप अगर हेल्प कर देंगे मेरा, कि आप अपना दोस्तों का शेयर करेंगे सो दैट उनको भी कुछ हेल्प हो जाए और वो भी कुछ डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ पाए। तो पूरा ट्यूटोरियल्स में मैंने अलग अलग टेक्निक बताऊंगा, जिसमें आपको इमेज टू इमेज का टेक्निक आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा एंड इसमें कैसे इसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। मैंने बहुत सारा अलग अलग डिजाइनर बनाया हूँ, बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम अलग अलग डिजाइनर बना के किया हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं शेयर करूंगा। किस तरीके से यूजेस करने का टेक्निक है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, बट उसके लिए आपको पूरा ट्यूटोरियल को बिना स्किप करे देखना पड़ेगा। एंड वीडियो में कोई भी आपको कोई समझ नहीं आया, या तो आपको अगर कुछ नया फीचर पर मैं जानना हो, या तो कोई पर्टिकुलर डिजाइनिंग कंसेप्ट के बारे में भी आपको जानना हो, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं भी हो तो भी आप मुझे प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट उस पर्टिकुलर कमेंट के अकॉर्डिंग आपका मैं और हेल्प कर पाऊँ और आपको आगे बढ़ा पाऊँ। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स। Before start the tutorials, please hit the like button and share with your friends. If any feedback, please leave it in a comment section. सो बिफोर स्टार्ट दिस इमेज टू इमेज ऑप्शन गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। कई बार ऐसा होगा इमेज टू इमेज ऑप्शन आपका डिसेबल होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब आप लियोनार्डो AI में आएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहते हैं प्रॉम्प्ट मैजिक करके, ऑप्शन अगर इनेबल रहेगा तो आपका इमेज टू इमेज ऑप्शन है वो डिसेबल रहेगा। तो आपको ऑलवेज क्या करना है, प्रॉम्प्ट मैजिक को बंद कर लेना है एंड देन उसके बाद आपको इमेज टू इमेज ऑप्शन में जाके इसको ऑन करना है। अब उसके बाद इमेज टू इमेज का काम क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया, कि इमेज टू इमेज बेसिकली कॉपी वर्क, या तो कई बार क्या होता है कुछ पर्टिकुलर डिजाइन को नया क्रिएशन करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब मोस्टली इसको हम नया क्रिएशन में काम आते हैं, आज के ट्यूटोरियल्स में आपको मैं नया क्रिएशन के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, कॉपी वर्क का ट्यूटोरियल में भी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अब इमेज टू इमेज में क्या होगा, नया क्रिएशन जब हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें इमेज टू इमेज के यूजेस कैसे करना होता है, सिंपल हमें इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं, लाइक इसमें जो भी इमेज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अपना एक पर्टिकुलर, जैसे मैं आप लोगों के लिए पर्सनल फोल्डर बना के रखा हुआ है अलग अलग डिजाइन का, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके लिए रखा हुआ है, सो दैट आप उस पर्टिकुलर एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइन बना पाओ। अब उसके लिए जैसे आपको मैं एक दिखाता हूँ एग्जांपल में, कई बार ऐसा होता है कुछ इस तरीके का, जैसे आपने पैटर्न हमने कोई क्लाइंट के लिए बनाया, जैसे इस तरीके जो मतलब पैटर्न आप ड्रॉ करके बना सकते हैं, तो सारा स्टॉक वगैरह से इस तरीके कई बार हमें पैटर्न
रेडी मिल जाता है, उसका हम यूज किया उनको दिया। अब उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को बताया कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न आपका जो कि साड़ी वगैरह में कई बार काम आते हैं, ब्लाउज वगैरह बनने में, या तो हो सकते हैं डिफरेंट टाइप का गार्मेंट में काम आ सकते हैं। अब वो क्लाइंट ने बताया कि इस तरीके का कोई मुझे सिमिलर टाइप का और भी डिजाइन बनाओ, ज्योमेट्रिकल टाइप का बना के दो। तो हम नॉर्मली उस तरीके का डिजाइन जब हम बनाने तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, या तो हम यंडेक्स में जाते हैं, यंडेक्स में नॉर्मली हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नया कोई पैटर्न बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, या तो शॉर्ट स्टॉप वगैरह से हम डाउनलोड करेंगे। बट मैं अगर आपको बताओ, आप इजिली इस तरह का पैटर्न आप AI से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इमेज टू इमेज का ऑप्शन करना पड़ेगा। सिंपल जैसे ये वाला पर्टिकुलर इमेज को मैं जस्ट ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैक करके यहाँ पे मैं अपना इस पर्टिकुलर में जाऊंगा एंड यहाँ पे इमेज टू इमेज जस्ट इसको मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आएगा आपको अपलोडिंग में, वो आपका टोटली डिजाइन का साइज के ऊपर रहते हैं। एंड इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड कर दिया, उसके बाद आते हैं इस पर्टिकुलर इमेज एंड प्रॉम्प्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का ही डिजाइन सो बनेगा। मतलब जो भी प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे बनाना होगा, उस प्रॉम्प्ट का आपको इस पर्टिकुलर इमेज के अकॉर्डिंग रेडी करना पड़ेगा, ताकि आपको, जैसे मान लीजिए ये वाला दूसरा कोई मैं डिजाइन के लिए सर्च कर रहा था, दूसरा कोई डिजाइन के लिए सर्च कर रहा था, बंच ऑफ फ्लावर, ब्लैक टेक्स्चर, अलग अलग मैंने लिख के रखा हुआ। अब ये प्रॉम्प्ट में अगर यही वाला इमेज को सर्च करूंगा, डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जैसे आपको देखिए मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा एक टकून खत्म हो रहा है, बट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा सकता हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब देखिए इसमें देखिए अलग ही कुछ डिफरेंट दिखा, बिकॉज इसमें फ्लावर है तो उसमें इसका रिजल्ट क्यों आएगा। तो ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए मैं आप लोगों को पास में बताया हुआ था कि आपको इमेज टू प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको नोहट में जाके प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग जो इमेज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसका मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करके पहले रख दिया, ताकि आपका टाइम बचे। तो सिंपल आप नोट में जाके इमेज टू प्रॉम्प्ट में जाके आप इमेज, जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली अपडेट करेंगे, सिंपल आपको दिखाई देता है एक, चलिए यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट होकर आ जाते हैं। ऐसे हम अलग अलग टाइप का प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो प्रॉम्प्ट का क्या काम होता है, हमें प्रॉम्प्ट में यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब प्रॉम्प्ट में हमें क्या दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पैटर्न है वो समझ गया, प्रॉम्प्ट हमें वो चीज देना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ब्राउन, हम वो पर्टिकुलर कलर जो कि चाहते हैं वो पर्टिकुलर कलर हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसको पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पे AI में जाते हैं। अब इसमें जाने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट में वो पर्टिकुलर चीज लिखना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब हमने यहाँ पे लिख दिया एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्राउन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम चाहे तो इसमें वेक्टर पैटर्न लिख सकते हैं, हम यहाँ पे चाहे तो हो सकते हैं थोड़ा सा वाटर कलर डिफरेंट दे सकते हैं, हम जस्ट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम चाहते हैं थोड़ा सा वाटर कलर डबका है तो वाटर कलर लिख दे। आप अदरवाइज नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते, नॉर्मल भी करना चाहते तो नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, उसका भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें भी अलग अलग जो ड्रीम्स टाइम, एब्सोल्यूट रियलिटी, इनवर्टेड डिफ्यूजन, अलग अलग मॉडल आते हैं उसमें अलग अलग आपको देखना मिलेगा, बट मोस्टली एब्सोल्यूट रियलिटी काफी अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए मैं उसमें पहला ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन लेता हूँ। जब भी आप पैटर्न जनरेट करने जाओ, खास करके जब आप डिजाइनिंग के लिए यूज करना चाहते हो, तो उस टाइम आप ऑलवेज कोशिश करेगा नंबर पैटर्न एक ही रखे, ताकि आपका टोकन ज्यादा यूज ना हो, एंड ऑल्सो 1024 रखेगा, ताकि उसका क्वालिटी मोटामोटी अच्छा है। एंड उसके बाद आप चाहे तो और थोड़ा सा भी बड़ा रख सकते हैं, जो कि 1500 पिक्सल का, उसमें और बेटर रिजल्ट आएगा, बट उसमें डेफिनेटली टोकन आपका ज्यादा जाएगा। तो 1024 बेस्ट है, दो टोकन जाता है वो अच्छा है। अब उसमें हम जाएंगे यहाँ पे, हम इस पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये वाला पर्टिकुलर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न में वो रख दिया, प्रॉम्प्ट रख दिया। अब यहाँ पे हम जनरेट में क्लिक करेंगे, देखिए इसमें मोटा मोटी उसका सिमिलर एक रिजल्ट आएगा। अगर नहीं है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। पूरा टेबल को अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आए, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट में हम चीजें को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मोटा मोटी है, बट एकदम सिमिलर सिमिलरिटी आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, हम थोड़ा सा अगर इसका डिफरेंट टाइप का कुछ मोटिव जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आते हैं, देखिए इंक स्ट्रेंथ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये आपको शायद नहीं पता होगा, तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए। आई जो कि इसका इंक स्ट्रेंथ जो आता है ना, इसमें जाके आप यहाँ पे 0.25 या तो 0.26 अप कर दीजिएगा, मतलब 0.2 से 0.3 के अंदर, 0.3 से ज्यादा जितना ज्यादा हो उतना नियरेस्ट हो जाएगा, मतलब 0.3 से ऊपर अगर आप करेंगे जैसे 0.6, 0.5, 0.6, तो एकदम नियरेस्ट नियरेस्ट आएगा। वो हम बेसिकली कॉपी वर्क में करते हैं, वो आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, बट आपको इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स में यही पर्चेज चीजें कि क्रिएशन में काम आते हैं, 0.25 या तो 0.26 हम रखते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न लिखे, इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा वाटर कलर लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था WATER वाटर कलर इफेक्ट EFFECT। अब देखिए यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, देखिए बहुत ब्यूटीफुल, इसके जैसा है इसका सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन में भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जिसको मैं 25 कर देता हूँ। अब देखिए एक डिफरेंट टाइप का मोटिव आएगा, डिफरेंट टाइप का पैटर्न आएगा, जिसमें एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आपका आएगा। इसमें और एक ऑप्शन आपको मैंने बताया हुआ है टीलिंग, अगर आप टीलिंग ऑन करेंगे, देखिए इसके जैसे और एक नया टाइप का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है।
इसमें आप वाटर कलर लिखेंगे तो वाटर कलर आपका आएगा। इसका अगर आपको और थोड़ा सा डिसन चाहिए, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, बट 20 से ज्यादा नीचे बच जाएगा 0.2 से। एंड देन इसमें आप चाहे तो ड्रीम शेपर में आप कर सकते हैं। एंड दिस में यहाँ पर हमें क्लिक कर दिया। देखिए इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन, इस टाइप का शेप के अकॉर्डिंग आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आपको डिफरेंट टाइप का पैटर्न का एग्जांपल वो जनरेट कर करके देगा। एंड इसमें आप नया नया टाइप का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसमें 0.2 ज्यादा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, इसको 0.26 दे देते हैं। एंड देन इसमें जनरेट करके देखते हैं। अब देखिए इसका जैसा सिमिलर टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपको दो तीन बार एक्सपेरिमेंट करते करते आपको आइडिया लग जाएगा क्या लिखने से क्या आ रहा है ना। उसके जैसे सिमिलर टाइप का कुछ पैटर्न जो कि ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का दिख रहा है। एंड इसमें आप अगर चाहे तो थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, या तो डिटेलिंग कुछ कम भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कलर मेंशन कर देते, कलर मेंशन की वजह से लुक अच्छा नहीं लगता, तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन मल्टी कलर। जस्ट मल्टी कलर लिख देते, MULTICOLOR मल्टी कलर। एंड देन आप वाटर कलर इफेक्ट लिखकर सर्च करें तो वाटर कलर टाइप का अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप चाहे तो वाटर कलर जो इफेक्ट है वो आप फर्स्ट में ही दे सकते हैं, ताकि वाटर कलर को ज्यादा प्रायोरिटी दे। आया अलग टाइप का इफेक्ट आया ना, अलग टाइप का डिजाइनिंग पैटर्न आपको आ रहा है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑप्शन यूज करके अलग अलग टाइप का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। जो भी टिलिंग ऑप्शन अवेलेबल होगा तो आपका जो पैटर्न है उसमें आपका रिपीट भी मेंटेन रहेगा। इसमें आप यहाँ पे वाटर कलर लिख दीजिए, देखिए वाटर कलर इफेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। तो देखिए अलग टाइप का आपका रिजल्ट आएगा। ड्रीम शेपर में अलग आएगा, एब्सोल्यूट रियलिटी में अलग आएगा, एंड इवन जेएसजीएक्स एक्सएल इसमें भी काफी अच्छा अलग रिजल्ट आता है। इसमें आप करके देख सकते हैं, देखिए इसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी में भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो कि मैं देखिए टोकन एक ही यूज कर रहा हूँ, मतलब टोकन जितना कम यूज करेंगे उतना आपका ऑप्शन ज्यादा बचेगा, उतना आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक ही इमेज आप यूज करेगा, ताकि आपका देखिए इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया एक डिजाइन से यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसमें मोटा मोटी ठीक है, चलेगा। कई बार अच्छा आएगा, कई बार बुरा भी आएगा, तो आपको देख लेना पड़ेगा। बट ये भी पैटर्न काफी अच्छा लगे, ये पैटर्न भी काफी अच्छा चल सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको जनरेट कर सकते हैं। आप ज्योमेट्रिकल अगर आपने दूसरा जैसा मैं आपको बता रहा था, अलग अलग टाइप और भी ऑप्शन मैंने इसलिए रखा हुआ है। आप हो सकता है चाहे इस तरीके का कोई एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ले लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न का भी बहुत बड़ी रिजल्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न भी आप जैसे ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न को हम यहाँ पे ड्रैग किए, ये पर्टिकुलर पैटर्न को ड्रैग करके मैं यहाँ पे अपलोड कर एब्स्ट्रैक्ट में भी। एंड इसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड ज्योमेट्रिकल जो कि एक जैसे होते हैं, आप चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर जो आपने सेम प्रॉम्प्ट यूज किया वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अदरवाइज आप इसके अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पे इमेज टू प्रॉम्प्ट में जाके इसके अकॉर्डिंग अलग से प्रॉम्प्ट आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नहीं किया था बट आप कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एब्स्ट्रैक्ट में अलग एक रिजल्ट आपको दिखे। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अलग एक यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। एब्सोल्यूट रियलिटी में अलग रिजल्ट आएगा, ड्रीम शेपर में अलग रिजल्ट आएगा। एंड यहाँ पे देखिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दिया था, इसलिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को ज्यादा महत्व दिया। हम अगर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हटा देंगे तो वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को महत्व नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए अलग टाइप का कुछ रिजल्ट आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग वो जो शेप है, वो जो थीम है, एक्चुअल में ये क्या करते हैं, जो इसका शेप और थीम को कंसेप्ट के हिसाब से लेते हैं, फिर वो नया पैटर्न जनरेट करने की कोशिश करें। देखिए अलग टाइप का एक कुछ मोटिव आपको यहाँ पे दिखेगा। कई बार इस तरीके से ऑप्शन आता है तो आप इसको ऑन कर लीजिए। देखिए ब्यूटीफुल एक पैटर्न दिख रहा है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न में इस तरीके का पैटर्न का कई बार बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। ये सब पैटर्न आप डायरेक्टली अपने डिजाइनिंग में इजीली यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपका काम आएगा। तो इसमें ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग टाइप का, जैसे ये वाला पर्टिकुलर मैंने अलग टाइप का कुछ दूसरा डिजाइन कर रखा होता है, ये प्रॉम्प्ट भी उसमें कई बार काम आता है। ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं, जस्ट ट्राई करना है, क्या दिक्कत है, ट्राई करके देखना, उसमें सारा आपको कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाए, हमारा डिजाइनिंग में क्रिएशन में नया टाइप का कोई डिजाइनर बन जाए। तो ये सब चीजें आपको अलग अलग टेक्निक को फॉलो करके, अलग अलग जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, वो आप देख के ट्राई कर करके अप्लाई करके देख सकते हैं। ड्रीम शेपर में अलग आएगा, एचडीएक्सएल में अलग आएगा, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोटिव एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न का जनरेशन इजिली कर सकते हैं। सिर्फ आपको कोई पर्टिकुलर इमेज का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, ये रेफरेंस देना मतलब इसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न जनरेट करके देगा आपको। देखिए ब्यूटीफुल एक पैटर्न है, ये पैटर्न का ही थीम है, लेकिन एक कुछ अलग इसमें फ्लावर लीव, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, फ्लावर एंड लीव्स लिखा हुआ था। इस तरीके से आप एक नया पैटर्न इजीली जनरेट कर सकते हैं, ट्रस्ट में, इस तरीके से नया नया टाइप का क्रिएशन हम इजीली कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सेम तरीके से आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं गाइस। आप जैसे डिजाइन हमने बनाया था,
कॉपी वर्क रिलेटेड। कॉपी वर्क में इस तरीके से कुर्ती गर्दन है, साड़ी गर्दन है, सलवार सूट या तो ऑल ओवर गारमेंट हम बनाते ही है, तो कॉपी वर्क का एक ऑब्वियसली पूरा अलग टेक्निक है। तो कॉपी वर्क करने के लिए हमें कई बार इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट आपका टेक्निक फॉलो करना पड़ता है, उसमें कलर को समझना होता है, मोटिव को समझना, तो उसके रिलेटेड डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारा फ्री ट्यूटोरियल दिया हुआ है। एंड जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगा गाइस, हमारा एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम बना हुआ है 90 डेज चैलेंज ऑफ डिसिप्लिन मास्टरी, जिसमें आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाता है डिजाइनिंग फील्ड में। विद इन 90 डेज के अंदर आप कैसे एक्सपर्ट लेवल का डिजाइनर बन सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आप अगर एक डिजाइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे भी है जो कि डिजाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, कोई सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर आए थे बट उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो हमारा कोर्स में ज्वाइन करने के बाद उनको एक मैसिव रिजल्ट मिला है, बिकॉज हम प्रॉपरली डिजाइनिंग को कैसे करते हैं, क्या टेक्निक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, वो सारा चीज मैं बताता हूँ अपना कोर्स करिकुलम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अपना कोर्स करिकुलम को चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि कॉपी वर्क में इस तरीके का कई बार हम जो है बनाते हैं। अब कस्टमर आपको बता दिए कि ये जो कॉपी वर्क का डिजाइन बनाना, इस तरीके का मुझे और भी 5-10 या तो 10-15 डिजाइन दीजिए, ताकि मे भी हो सकता है क्लाइंट इसको अप्रूव कर दे, या इस तरीके और भी आपको डिजाइन से प्रोग्राम में आ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस तरीके और भी डिजाइन बनाने का कोशिश करते। एंड इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग दिख रहा है, उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा बारीकी दिख रहा था, अब इसमें इसके अकॉर्डिंग में देखता हूँ शायद इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आया। विंटर कलर विंटेज एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल पैटर्न, बिकॉज प्रॉम्प्ट तो मोटा मोटी हमारा ठीक ही है, अब इसको थोड़ा सा और जूम करके हमने दिया ताकि उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा समझ पाए कि एक्चुअल में हमें कैसा पैटर्न चाहिए। अब इसमें इंक स्ट्रेंथ में अब देखिए काफी नियरेस्ट आया, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होकर आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा अंडर जाना पड़ेगा, विंटेज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न लिख दिया हमने, बैकग्राउंड क्वालिटी फ्लोरल पैटर्न हमने लिख दिया हुआ है। एंड इसको हम अलग अलग अभी पैटर्न जनरेट करके देखिए, इंक स्ट्रेंथ को आप 25-24 रख के देख सकते हैं, देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अलग अलग टाइप का पैटर्न इस तरीके से क्रिएट हो सकता है। देखिए अब इसमें एब्सोल्युटली ड्रीम सेपर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, दैट्स ओके टोटली फाइन, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आपको अलग अलग मॉडल को यूज करके देखना पड़ेगा किसमें क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें हो सकता है सिंपल और कुछ मत लिखिए, विंटेज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न लिख के भी सर्च कर सकते हैं, विंटेज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न और कुछ नहीं लिखना है, वाटर कलर विंटेज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न इसमें आप लिखिए, मे बी शायद इसमें भी कई बार अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। एंड इसका इंक स्ट्रेंथ है उसको भी आप ज्यादा कम करके देख सकते हैं, उसमें कई बार अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। देखिए विंटेज एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल पैटर्न फ्लावर का कंसेप्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसका इंक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हम 25-26 या तो 27 में रखते हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक बार जनरेट करके देखते हैं, सो दैट इसका हम बिकॉज हमें प्रॉम्प्ट मिला है, अब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देने की कोशिश करते हैं। सो इसी तरीके से आपको इसका डेप्थ में जाके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आप देखिए इसका रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है ना, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसका डेप्थ में जाएंगे, प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे, इंक स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, मॉडल को अलग अलग यूज करेंगे, तो आपको रिजल्ट अलग अलग दिखेगा। एंड उसके बाद और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बिकॉज मे भी हो सकता है ये वाला पैटर्न आपको दिखाता हूँ, ये वाला पैटर्न में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस तरीके से पैटर्न कई बार हमें पार्टी को का क्लाइंट को बहुत ज्यादा चलते हैं, एंड इस तरीके वाला पैटर्न गारमेंट डिजाइन में बहुत ज्यादा चलते हैं। मान लीजिए वाला पैटर्न को आपको देना है जिसको आप यहाँ पे अपलोड कर दिए, एंड इसका प्रॉम्प्ट मैं ऑलरेडी जनरेट कर रखा हुआ था एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं देखने के लिए, जैसे ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न को मैं ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पैटर्न ही लेना है, आप चाहे तो कोई पर्टिकुलर पोर्शन को भी ले सकते हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला पोर्शन हमारे लिए एनफ है, बच्चों फ्लावर ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड रेड पिंक फ्लावर इन मिडल ऑफ द इमेज, दैट्स इट। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न एंड इसका प्रॉम्प्ट दोनों कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा, इंस्टेंट मोटामोटी रहेगा, तो देखिए अब एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। सो थोड़ा अपलोडिंग में टाइम लग रहा है, मे बी थोड़ा सा इमेज साइज बड़ा होगा तो अपलोडिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट थोड़ा सा पेशेंस भी अवॉइड करिएगा एंड जरूर समझिएगा कैसे इसको यूज करने में क्या रिजल्ट आते हैं। एंड इसमें जो प्रॉम्प्ट का आइडिया है, वो प्रॉम्प्ट का आइडिया से भी आप समझ जाएंगे कि क्या लिखने से क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे आपको एक सेंटेंस बिल्ड करना होता है, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को फीचर्ड करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है रेड एंड पिंक फ्लावर, तो हम जब भी डिजाइन बनाएंगे तो हमें फ्लावर का कलर भी मेंशन करना जरूरी है, ताकि हमारा जो पैटर्न बन रहा है उसमें फ्लावर का कलर अच्छे से आए। तो बंच ऑफ फ्लावर मतलब एक फ्लावर का बंच, बंच ऑफ फ्लावर लिखना है। बैकग्राउंड हमें कैसा चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड लिखना है। तो इस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट को समझना है गाइस, बिकॉज जितना आप समझेंगे उतना आपका क्लियरिटी आएगा, उतना आपका डिजाइन में रिजल्ट आएगा। अब इसको 500 वाला रखता हूँ, टोकन हमें कम खर्चा करना ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा है, चाहे तो 1024 भी रख सकते हैं, 1024 में भी दो टोकन ही जाएगा, चल सकता है एक बार। एंड देन मैं इसको एब्सोल्यूट रिलेटिव से एक बार फिर से जनरेट करके देखता हूँ।
इसका इंक स्ट्रेंथ आप 25-26 जैसा आपको बताया 20 से 30 के अंदर रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट आ सकता है। मैं तो बोलूंगा 25 से 30 के अंदर रखें। कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है, आप समझ सकते हैं गाइस कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट, इतना इजीली हम पैटर्न रेडी कर सकते हैं, जो कि इसमें मैंने टीलिंग ऑप्शन को ऑन कर रखा हुआ है, इजीली टीलिंग में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। एंड इसमें आप थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर सकते, जैसे मैं व्हाइट बैकग्राउंड में आपको बता, इसमें ऑलरेडी पत्ती है, थोड़ा सा टेक्सचर इफेक्ट देना चाहते हैं व्हाइट बैकग्राउंड विथ ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर TXTURIEFFPC टेक्सचर इफेक्ट बैकग्राउंड, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा जितना आप इसका डीप में जाएंगे, जितना आप इसको समझेंगे कि आपको इसको यूज कैसे करना है, उतना आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा। सब समझ सकते हैं कितना इसका यूज हो सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर देना है। इवन आपका जो फ्लावर का कलर है ना, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसमें लिखिए ब्लू ब्लू एंड पिंक, या तो ब्लू एंड साइन CY, या तो फिरोजी लिख सकते हैं फिरोजी, तो ब्लू एंड फिरोजी का कलर का फ्लावर आपको यहाँ पे दिखेगा। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि आपका जो डिजाइनिंग का प्रायोरिटी है, कितना जल्दी आपका अलग अलग अपग्रेड हो सकता है। देखिए अलग टाइप का कुछ रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। एंड इसमें आप स्पेसिफिकली रोज, तो रोज आप लिख सकते हैं ये पर्टिकुलर पैटर्न कितना ब्यूटीफुली अपना पैटर्न डिजाइनिंग में काम आ सकता है। यू कैन इमेजिन गाइस कितना जल्दी कितना फास्ट आप अपना कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को इस तरीके से डिजिटल प्रिंट के लिए खास करके रेडी कर दे सकते हो। ये फ्लोरल पैटर्न में बहुत ज्यादा काम आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल में भी थोड़ा सा आप अगर स्पेसिफिकली यूज करना अच्छे से जानेंगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग में भी काम आएगा। इवन स्ट्राइप वगैरह जो आता है इस तरीके से, हम कई बार साड़ी वगैरह में स्ट्राइप बनाते थे, स्ट्राइप में भी अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आपको स्ट्राइप का भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल दिखाने जाएंगे तो ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है गाइस, बिकॉज कितना भी मैं रखूँ आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम चला ही गया, बट मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी ट्यूटोरियल देखता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं ऑप्शन दे पाऊँ, चीजों को समझा पाऊँ। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कि ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने बनाया था, मल्टी कलर बैकग्राउंड डायगोनल पैटर्न, तो यहाँ पे देखिए मल्टी कलर बैकग्राउंड लिख सकते हैं। जस्ट मल्टी कलर बैकग्राउंड लिख के मैं देखता हूँ कैसे रिजल्ट आता है। जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी कलर बैकग्राउंड, अब इसके अकॉर्डिंग इंस्टेंट रखा हुआ है एंड एब्सोल्यूट रियलिटी में जाकर जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए कैसे रिजल्ट आते हैं। इस तरीके से स्ट्राइप डिजाइन में भी बहुत सारा वैरायटीज आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन आप अलग रख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का पैटर्न भी देखिए स्ट्राइप में थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्राइप दिख रहा है। अब स्ट्राइप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टी कलर बैकग्राउंड डायगोनल, जैसे यहाँ पे डायगोनल कुछ ऑप्शन दिख रहा था मुझे डायगोनल पैटर्न, तो डायगोनल पैटर्न लिख देते, थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ हमें ऑप्शन दिखेगा। या तो हम ज्योमेट्रिकल लिख सकते हैं डायगोनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न, तो ज्योमेट्रिक में थोड़ा सा आपको इस तरीके का पैटर्न आपको दिखा, वाटर कलर लिखेंगे तो वाटर कलर टाइप का आपको दिखेगा। तो इनके अंडरस्टैंड गाइस कि आप कितना ज्यादा इसको डिटेल में यूज कर सकते हैं। देखिए अलग टाइप का ये दिख रहा है, इसमें आप डायगोनल पैटर्न को हटा देंगे, ज्योमेट्रिक को हटा देंगे, थोड़ा सा अलग दिखेगा। एंड इसमें वाटर कलर टाइप देख लीजिए, सो एंड सो एंड सो गाइस, इस तरीके से आप इजीली अलग अलग टाइप का पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट। देखिए इसमें कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। तो पैटर्न डिजाइनिंग में इस तरीके से आप एक नया पैटर्न अगर कोई क्लाइंट को देंगे तो मे बी वो अलग ही रिजल्ट आपको देगा, जिसमें स्ट्राइप में थोड़ा सा अलग एक लुक दिख रहा है। तो आप ऐसा बहुत सारा पैटर्न अलग अलग डिजाइन का अलग अलग एग्जाम्पल लेके इजिली आप बना सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड गाइस द पावर ऑफ AI, AI को यूज करने का फीचर एंड टेक्निक अगर अच्छे से पता हो तो आप इजीली कोई भी डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, AI का यूजेस करने का जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपको मजा आएगा, उतना आप इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट आपका डिजाइनिंग क्रिएशन करना हो, कॉपी वर्क करना हो, कॉपी वर्क भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉपी वर्क का एग्जाम्पल दिखा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, जस्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए सिंपली मैंने एक रिसेंटली एक पर्टिकुलर जो क्लाइंट है उनके लिए मैंने एक साड़ी का डिजाइन बनाया था, जैसे ये वाला साड़ी का डिजाइन था, ये वाला साड़ी का डिजाइन था। अब इस साड़ी में देखिए यहाँ पे आपको इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसको अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करूँ, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिख रहा है लोटस फ्लावर का पैटर्न। अब ये लोटस फ्लावर मैं अगर डायरेक्टली इंटरनेट में सर्च करने जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके का सेम पोज में, सेम फ्लावर का जो पत्ती का जो पोज है, उस फ्लावर का पत्ती का पोज में हमें लोटस फ्लावर का लीव्स नहीं मिलेगा। इवन जिसका जो पेड़ है या तो जो भी इसका बैकग्राउंड टेक्सचर है, बैकग्राउंड पैटर्न है, वो सब हमें सेम सेम पोज में नहीं मिलेगा। मे भी मिलेगा, थोड़ा सा हमें ट्विक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बट अगर बताओ तो यही पर्टिकुलर फ्लावर का पोज आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आप समझ में, आपको जैसे यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा, देखिए देखिए वही पोज का हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट किया था।
सो एक बार इमेजिन कॉपी वर्क में भी आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड यही वाला पोज जो कि ये वाला अलग अलग पोज दिख रहा है, इसमें तीन चार पोज है, उस पोज को मैंने यहाँ से जनरेट किया था, वो भी एआई से। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एग्जांपल ताकि आपको विश्वास हो। एंड ये सब मैंने यहाँ से जनरेट किया था, मैं आपको प्रीवियस इमेज लोड करके दिखा रहा हूँ, देखिए। सो ऐसा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोटिव आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो नया क्रिएशन के लिए भी जो आपको मैंने बताया पैटर्न डिजाइनिंग क्रिएशन का, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, जो कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में नीचे कमेंट करना पड़ेगा गाइस। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक तो करते ही नहीं, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोगों के लिए फ्री आता है। बट जो मैं एफर्ट करता हूँ, जो मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग हेल्प करना, तो आपको तो जस्ट एक वीडियो का देखने के टाइम एक लाइक ही करना है, एक क्लिक ही करके दिखाना है, जस्ट आपको एक लाइक करना है। उस लाइक में भी आप लोग कंजेसी करते हो। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको लगे कि इसमें कुछ आप सीख पाए, तो अपना दोस्तों को जरूर शेयर करिए। बिकॉज मेरा जो उद्देश्य है कि डिजाइनिंग फील्ड में आप लोगों को मैं हेल्प करूँ एंड आपका जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो, तो आप और हम मिलके ही इस पूरा सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप और हम मिलके ही इस पूरा सोसाइटी में कुछ ना कुछ जो जिनको जरूरतमंद है उनको हेल्प कर सकते हैं गाइस। तो प्लीज शेयर जरूर करेगा, सो दैट उनको भी देखने को मिले, सीखने को मिले, नया नया आपका डिजाइनिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग हो एंड वो आगे बढ़ पाए। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम अपना डिजाइनिंग फील्ड में और भी लाते रहेंगे। बट आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, ताकि इस तरीके का ट्यूटोरियल्स आपको अपडेट मिलते रहे। एंड ये जो आपको टेक्निक बता रहा हो, ये जो आपको डिजाइनिंग का प्रोसेस आपको बता रहा हो गाइस, ये सब आपको क्या डिजाइनिंग का पार्ट है, बट एक्चुअल में आपको डिजाइनिंग सीखना है, डिजाइनिंग का ए टू जेड सीखना है। चाहे आपको कोई साड़ी डिजाइन बनाना हो, कुर्ती डिजाइन बनाना हो, ऑल ओवर गारमेंट डिजाइन रेडी करना हो, या तो जो मैं ये डिजाइन का अलग अलग मैं आपको पैटर्न क्रिएट करके तो दिखा रहा हूँ, पैटर्न डिजाइनिंग का मोटिव बनाना हो, या तो डिफरेंट डिफरेंट आपका पैटर्न क्रिएशन के टाइम कैसे हमारा माइंड में सोच रखना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो डिजिटल प्रिंट में, कलर कॉम्बिनेशन मार्केट में चलते हैं, वो सब जानने के लिए आपको हमारा कोर्स करिकुलम में आ सकता है, जिसमें इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम है जिसमें 90 डे के अंदर आपको एक एज अ डिजिटल प्रिंट डिजाइनर कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से डिजाइन रेडी करना है, उसका ईच एंड एवरी प्रोसेस आपको बताया जाता है, सो दैट आप डिजाइनिंग फील्ड में एक नेक्स्ट लेवल का डिजाइनर बन पाओ। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक लाइक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।